ये भाई ने क्या किया है कि राइट टाइम पे हमारे पास लिया है तो हमने सेटिंगें कर दी है। अब कौन है कौन से बच गया मेरा गाइस, काफी घबरा गया था गाइस में। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सबर को 8:50 नाश्ता में बना हुए दाल, मूंग की दाल, गरम गरम रोटी, इसमें अचार जो कि मैं कल लाया था सज्जू भाई की दुकान के पास से, 10 रुपये का अचार लाया था मैंने कल, तो कल थोड़ा बहुत खाया और अभी थोड़ा बहुत बचा है, अभी इसको हम दाल और रोटी के साथ खाएंगे अच्छी तरीके से। मतलब नाश्ता भी कर लिया है, आज के नाश्ता में तो आप लोगों ने देख लिया, दाल था, रोटी था, इन अचार के साथ खाया मैंने। और अभी मैं जा रहा हूँ बाजार मांडे लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज दोपहर के लिए मांडा और गोश्त बनेगा, गोश्त मांडा बनेगा घर पर। मेरे पीछे जो बैठा हुआ है ये मेरा दोस्त रमजान है, इनका नाम रमजान भाई। सब बढ़िया भाई, अभी कहाँ जा रहे थे आप? खाना खाने। तो भाई मिल गया रास्ते में, अपना दोस्त भी है तो भाई को हमने लिफ्ट दे दिया। ठीक है रमजान भाई, खुदा हाफिज़। जा रहे हो आप? तो रमजान भाई भी जा रहे हैं, रमजान भाई का घर यहाँ पर पड़ता है इस रास्ते पर, अपन भी चलते। तो गाइस हम पहुंच गए, सो गए। ये होटल लजीज दरबार हमारे बाबू भाई का दुकान है, यहीं पर ही गाइस मैं आया मांडा लेने के लिए, 100 रुपये का मांडा लेने गरम गरम में। बस हमने ले लिया 100 रुपये का मांडा, उसको रखते बैग के अंदर, बैग के अंदर तो बोतल है, बोतल को निकालना पड़ेगा पहले, पानी भरा हुआ इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ, मंडी के पास आया हूँ, कैसे मेरे को लींबू लेना है एंड कोथमीर एंड मूली। माँ लींबू 5 का 1, लींबू 10 के 3, 5 का 1 दे रहे, 10 के 3 दे रहे यार। माँ 1 छोटा दे दिया मोनी, 10 के 4। क्या गड्डी है? 10 रुपये। कोथमीर भी ले लिया, 1 गड्डी 10 रुपये का, काफ़ी महंगी महंगी सब्जी आज तो भाई, कोथमीर 1 गड्डी इतना छोटा 10 रुपये का, एंड 4 नींबू दे दिया अम्मा ने 10 रुपये का। 2 चीज़ें तो मिल गई, कोथमीर एंड नींबू। मूली देखने जा रहा उसी दिन की तरह, आज भी देखेंगे मिलेगा कि नहीं। आज तो हीट ही हो गया, पहले दुकान पर मूली मिल गया आज तो। सर 10 के कितने आएंगे? 2-3। उस दिन की तरह मेहनत नहीं करना पड़ा आज, उस दिन के लिए मूली के लिए कितना घुमा था आप लोगों ने ब्लॉग में देखा था, हर जगह में पूछ रहा था, आज पहली दुकान पर ही मूली दिख गया के अंदर आएगा कि नहीं, क्योंकि बैग तो फुल हो गया है, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, रख देंगे। मूली को रखूँगा एंड इसको लटका दूंगा थैली को गाड़ी के पास। गाइस मूली भी रख दिया मैंने, एडजस्ट हो गया इस बैग के अंदर, शुरू में लग रहा था नहीं होगा, बाकी घुसड़ घुसड़ के मैंने रख दिया। तो अभी चलते हैं घर पर और इसको यहाँ पर टंगा देते, ये अब कहीं नहीं जाएगा ये। आज तो गाइस मैंने सारा मार्केट ही कर लिया है, मांडे भी खरीद लिए, मटन भी ले लिया, मूली भी ले लिया, नींबू भी ले लिया, कोथमीर भी खरीद लिया, सब कुछ ले लिया आज मैंने, आज तो पूरा मार्केट ही खरीद लिया। A few moments later. दोपहर के खाना में बना हुए चावल, गोश्त मांडे बना हुए, मैं मांडा गोश्त मांडे नहीं खा रहा हूँ, सादा सिंपल खा रहा हूँ चावल, एंड ये है सालन, इसको मिला के खाऊंगा मैं। तो दोस्तों मस्त नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं, सबरे से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था नहाने के लिए, अभी शाम को मैं नहाया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ गाइस मेरा दोस्त के यहाँ पर, जो कि वो भी एक यूट्यूबर है, उसके 10,000 सब्सक्राइबर है, एक काम है उनसे। वो काम गाइस क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है ना यूट्यूब से लिंक नहीं है, जब भी मैं अपना मोबाइल नंबर जा रहा हूँ गाइस गलत बता रहा है, बोल रहा है ये आपका मोबाइल नंबर से नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अपने दोस्त को ही बता दूँ, मैं बताएंगे उसको मेरे अकाउंट के बारे में, मैं कहूँगा नंबर गलत बता रहे, मेरा नंबर आ ही नहीं रहा है, वहाँ पर पहुँच के आप सभी को बताएंगे। हाँ यही पर रोक देंगे, MP ऑनलाइन वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम,
केले खा रहे हो? हाँ भाई केले खा रहे हैं। तो फाइनली हमारे साहिल भाई ने सही कर दिया नंबर, यूट्यूब से लिंक कर दिया आपका, शुक्रिया। कब से का कंप्यूटर में लिंक ही है, मेरा नंबर को सही करवा रहे थे वो भी कर दिया, एंड आयुष्मान कार्ड का जो प्रोसेस था वो भी करा। मेरा अकाउंट जो यूट्यूब अकाउंट है वो हैक हो गया था, तो भाई लोगों के पास में फटाफट आ गया। ये भाई लोगों का एमपी ऑनलाइन है, ये हमारे मुबारक भाई है, ये हमारे साहिल भाई है। ये भाई ने क्या किया है कि राइट टाइम पे हमारे पास लिया है, तो हमने सेटिंगें कर दी है। अब जो भी व्यक्ति थर्ड जो पर्सन जो है इनका अकाउंट कोई भी हैक कर नहीं पाएगा। अच्छा हुआ आपने हमारे पास लिया है, शुक्रिया मुबारक भाई, आपने इतना हेल्प कर दिया मेरे लिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना जो हमने आपको सेटिंगें बताई है उसके डायरेक्शन पे चलना है। खुदा हाफिज। ठीक है भाई, दुआ में याद रखना मुबारक भाई। ये भाई की मतलब भाई मत रे मत, बहुत पागल आदमी है, मैं इनसे बड़ा पागल हूँ फिर भाई। खुदा हाफिज़ भाई यार, भाई यार। चलो खुदा हाफिज़ भाई। ठीक भाई, तो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया है, अकाउंट हैक होने से बच गया मेरा। गाइस काफी घबरा गया था गाइस में, हमारे साहिल भाई है ना उनके 10,000 सब्सक्राइबर है तो उनके पास चला गया मैं, हमारे मुबारक भाई भी थे तो दोनों ने मिलके मेरा काम कर दिया, मेरा अकाउंट हैक होने से बच गया गाइस। दोस्तों भी रात के हो रहे 11:04 और आज किस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेरा अकाउंट जो है यूट्यूब अकाउंट वो हैक होने से बच गया गाइस, क्योंकि गाइस इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे गाइस, हर एक सेकेंड में मैसेजेस आ रहे थे, OTP भेजो OTP भेजो। तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने भी ये बोला कि यूट्यूब अकाउंट हैक करने का OTP मांग रहा है। तो गाइस मैंने डायरेक्टली वो डिलीट मारे वो मैसेजेस, उनको ब्लॉक मार दिया। तो गाइस मैं घबरा गया था क्योंकि 11 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ गाइस, आप सभी को पता है मेरे कम व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60 व्यूज़ जो भी आ रहे हैं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो 11 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो हैक हो जाता तो कितना बेकार होता गाइस। इसीलिए हमारे मुबारक भाई और साहिल भाई के पास गया था, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, डायरेक्टली मैं उनके पास गया फिर उनसे बातचीत करा तो उन्होंने सब ठीक कर दिया। इस वाले ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, आई होप कि मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली को आज का प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, आप सभी को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।